एसडीएफ न्यूज स्वागत करता है आपका 10 बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं आजाद। कोरोना गाइडलाइंस के तहत सुरक्षात्मक उपाय के लिए सभी को अपने स्तर पर जागरूक होकर रहने की आवश्यकता है। लॉकडाउन को अभी नहीं बढ़ाया गया है। सभी को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत आज की आवश्यकता बन गई है। शैक्षिक संस्थान, होटल, धार्मिक स्थल पर निगरानी बनी रहेगी। बाढ़ राहत को लेकर विपक्ष का मूड अभी भी राज्य सरकार पर नरम नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी समेत राजद के कई नेता सरकार पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अब ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान देने का मन बनाया है। इसके तहत प्रेमचंद मिश्रा ने सभी कांग्रेसियों को चिन्हित करने की अपील भी की है। विख्यात क्रिकेटर चेतन चौहान के निधन पर खेल प्रेमियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व क्रिकेटर, खिलाड़ी अनंत कुमार एवं अन्य लोगों ने पटना में एक शोक सभा का आयोजन कर दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। अभी भी लोजपा के कई नेता राज्य सरकार से खफा चल रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के तीखे तेवर के बाद जिला स्तर के नेता भी नीतीश कुमार सरकार पर हमलावर हो गए हैं। जदयू को लोजपा द्वारा सरकार को बाढ़ और कोरोना पर घेरने की नीति का सार्वजनिक बयानबाजी रास नहीं आ रहा। एनडीए में तानातानी को लेकर आज सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। इधर जदयू नेता और मंत्री नीरज कुमार ने भी लोजपा को आड़े हाथों लिया है। सूबे के विभिन्न हिस्सों में इन दिनों कोरोना जांच की दिशा में तेजी का संकेत सुखद अनुभव है। खबरों के मुताबिक कोरोना जांच में बिहार अब पहले स्थान पर आ गया है। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने जांच की क्षमता बढ़ाए जाने का संकेत दिया है। आज तक बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून सक्रिय रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग इस बाबत मध्यम से लेकर तेज बारिश के संकेत दिए हैं। सूबे में संभावित विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगा चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त दलों से बूथ लेवल एजेंटों की सूची मांगी है। खरीफ मौसम 2020 में अगहनी धान, भदई, मक्का एवं सोयाबीन के लिए किसानों को फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा। इस हेतु सहकारिता विभाग के वेबसाइट की योजना पोर्टल पर ऑनलाइन निबंधन की तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी गई है। तो अब तक 10 बड़ी खबरों को आपने देखा। आप बने रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए एसडीएफ न्यूज़ के साथ, और साथ ही इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।